नमस्कार। फोर सी सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस नए एपिसोड में एक महत्वपूर्ण कानूनी मुकदमा लेकर, जी हां, सुप्रीम कोर्ट से एक बार पुनः मैं आपके बीच उपस्थित हूं, डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस मुकदमा जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, इससे समाज बहुत व्यापक रूप से प्रभावित हो रहा है और एक सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में जो सजा सुनाई है वो मिसाल पेश करने वाली है। जहां एक तरफ विक्टिम जो है उसके अधिकारों का ख्याल रखा गया है, समाज के अधिकारों का ख्याल रखा गया है, और जो अभियुक्त है उसके राइट और उसकी परिस्थितियों का भी ख्याल रखा गया है। एक बहुत ही बैलेंस फैसला है। तो आइए हम सीधे चलते हैं मुकदमे पर, और ये मुकदमा है बाइगैमी, अर्थात सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी। अर्थात अगर हम बीएनएस की बात करें तो वहां भी यह अपराध है जो कि कवर्ड है अंडर सेक्शन 82। सो सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी पुराना, नया सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस, नया बाइगैमी, अर्थात एक पत्नी के रहते, एक शादी में रहते दूसरी स्त्री से विवाह कर लेना, यह अपराध कल भी था, अर्थात आईपीसी में भी था और आज भी था। तो सवाल है कि ऐसे कोई व्यक्ति अगर ऐसा अपराध करता है तो उसको कितनी सजा मिलनी चाहिए, मिलनी भी चाहिए कि ना मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों कंसेंटिंग एडल्ट हैं, ठीक है, तो कितनी मिलनी चाहिए और मिलनी चाहिए तो कितनी मिलनी चाहिए, मिलनी भी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, क्या बाइगैमी के अपराध करने वाले व्यक्ति को ऐसी सजा देकर छोड़ देना न्यायोचित है, जहां कोर्ट कहता है कि भाई ठीक है आपने अपराध किया, अपराध साबित भी हो गया, लेकिन सजा के नाम पर कोर्ट ने कहा कि जब कोर्ट खुले तो आप आइए और कोर्ट जब तक चलता रहे तब तक आप यहां खड़े रहिए। तो क्या इस तरह की सजा से बाइगैमी का अपराध खत्म हो जाता है, इसी बारे में हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस मुकदमे के माध्यम से। तो पहली जो महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट ने कहा कि सजा जब भी होगी वह समाज में एक मानक बने, समाज की मर्यादा को स्थापित करे, वह सबसे महत्वपूर्ण है। जो दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह यह कहा कि सजा हमेशा परिस्थिति, अपराध करने वाले व्यक्ति और अपराध की गंभीरता को देखते हुए तय किया जाना चाहिए, और इस तरह की सजा कि आप सवेरे कोर्ट आए और शाम में चले जाएं, स्टैंड टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, कहीं से भी न्यायोचित या यथोचित नहीं कहा जा सकता। और इस बाइगैमी के मुकदमे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जो पति है और जो पत्नी है, पति वह दूसरा पति और पत्नी वह जिसने अपने पूर्व पति को छोड़कर दूसरे पति से शादी की, उसको 6-6 माह की सजा दी। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि इन दंपत्ति का जो कि यहां एक्यूज्ड हैं, जो अपराधी हैं, जिनको 6-6 महीने की सजा सुनाई गई, उनका एक 6 साल का बच्चा भी। अब कोर्ट को लगा कि आखिर उस बच्चे का अपराध क्या है, उसको क्यों सजा मिले उसके मां बाप की गलती के, और यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो इसलिए जस्टिस सी टी रवि कुमार और जस्टिस संजय कुमार की डिवीजन बेंच ने लीक से अलग हटते हुए मानवीय संवेदनाओं और बच्चे के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए एक अभूतपूर्व फैसला दिया, और वह फैसला यह था कि सजा तो 6-6 महीने की ही रहेगी लेकिन स्टैगर्ड कर दिया जाएगा, अर्थात अलग अलग होगी। और स्पष्ट करूं
तो कोर्ट ने यह कहा कि सजा जो मद्रास हाई कोर्ट चेन्नई हाई कोर्ट ने इस दंपत्ति को दिया था कि आप सवेरे से शाम कोर्ट में आकर खड़े रहें और आपका अपराध पूरा हो जाएगा, सजा पूरी हो जाएगी, उसको दरकिनार करते हुए, उससे इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा सजा तो 6-6 महीने की भुगतनी पड़ेगी, लेकिन बच्चे की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये सजा कुछ इस तरह से चलेगी कि पहले दूसरा पति सरेंडर करेगा, वो 6 महीने की सजा अपनी पूरी करेगा, वह रिलीज होगा, उसके 2 सप्ताह के अंदर पत्नी सरेंडर करेगी और वह अपना 6 माह का सजा पूरी करेगी। इस तरह से सजा की अवधि के दरमियान बच्चा कभी भी अकेला नहीं रहेगा, दोनों में से एक पेरेंट उसके पास रहेंगे। कोर्ट ने जब यह सजा सुनाई तो यह लीक से हटकर है, ऐसा नहीं हुआ पूर्व में, लेकिन कोर्ट ने साथ ही अपने फैसले में यह भी लिख दिया कि यह कोई प्रेसिडेंट नहीं है, आगे के फैसलों पर इसको एज ए जजमेंट, इसको एज एन एग्जाम्पल कोर्ट नहीं किया जा सकता है, यह परिस्थिति विशेष दिया गया फैसला है। और जहां कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया, वहीं कोर्ट ने शिद्दत से चेन्नई हाई कोर्ट के उस फैसले को इनकार कर दिया जिसमें इनको पीस मिल सजा दी गई थी, बहुत छोटी सजा दी गई थी कि आप सवेरे कोर्ट खुलने से कोर्ट खुलने के बाद तक आकर खड़े रह जाएं और आपकी सजा पूरी हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि समाज में कानून का डर बना रहे, समाज की जो मान्यता है, जो मौलिक जो मोरल बिल्डअप है, जो बॉन्डेज है, जो सेटअप है, उन सब को बरकरार रहने के लिए यह जरूरी है कोर्ट के द्वारा कि सजा देते वक्त अपराध करने वालों के प्रीवियस कंडक्ट, अपराध की गंभीरता और परिस्थितियों को ध्यान रखकर अपराध की गंभीरता के अनुरूप सजा दिया जाए। और इस केस में कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि जो महिला है जिसने दूसरी शादी की है, वह 2 महीने पहले तक अपने पूर्व पति से एलिमनी का रकम लेती रही, अभी उसका पूर्व पति से डाइवोर्स हुआ नहीं था और उसी दरमियान वह दूसरे हस्बैंड से न सिर्फ शादी करी बल्कि वह उसके बच्चे की मां भी बन गई। यह बहुत ही गलत है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक तरफ आपका पहला संबंध खत्म नहीं हुआ, आप दूसरे संबंध में न सिर्फ इंटर करते हैं बल्कि आप उसके बच्चे की मां भी बन जाते हैं, दूसरी तरफ आप एलमनी भी ले रहे हैं, तो इन सब को अगर एक साथ देखा जाए तो यह अति गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 494 आईपीसी में यह अपराध है, इसमें अधिकतम सजा 7 साल की हो सकती है, जिसको बीएनएस में भी सेक्शन 82 में एज इट इज बरकरार रखा गया है। तो अपराध हुआ है, अपराध गंभीर है और कोर्ट ने साथ में यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के गंभीर अपराधों की गंभीर सजा बनती है। जहां तक कानूनी प्रावधान का सवाल है सेक्शन 494 आईपीसी का, तो यह एक कंपाउंडेबल अपराध है, लेकिन माफी का या कंपाउंडिंग का अधिकार पहले पति या उस पुरुष की पहली पत्नी जिससे महिला ने शादी की है उन्हीं दोनों को है। पूर्व पति चाहे तो अपनी पत्नी को माफ कर सकता है, पूर्व पति क्या पति पहला पति कह सकते हैं, वो अभी विच्छेद तो हुआ नहीं तो वो पति है, तो पहला पति अगर चाहे तो पत्नी को माफ कर सकता है। उसी तरह से उस पुरुष की पहली पत्नी अगर चाहे तो अपनी सौतन को, अपनी दूसरी अपने पति के दूसरी पत्नी को माफ कर सकती है, बट अगेन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, सब्जेक्ट टू जुडिशियल, इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप होगा, कोर्ट के संज्ञान में, कोर्ट की अनुमति के बाद भी यह अपराध कंपाउंडेबल किया जा सकता है, पार्डन किया जा सकता है। और इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि जहां एक तरफ
विक्टिम का राइट है तो एक्यूज्ड की भी राइट्स हैं, और साथ ही समाज का जो ताना बाना है वह भी अक्षुण्ण रहना चाहिए, वह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए। और इन तीनों परिस्थितियों को बैलेंस करते हुए जस्टिस टी रवि कुमार की खंडपीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। इस अपराध के बारे में आपका कोई अनुभव हो, आप कुछ शेयर करना चाहते हो, आप कुछ कमेंट करना चाहते हो तो जरूर करें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।